बच्चे एक उम्मीद भरी निगाहों से मेरी ओर देखते हैं, इसीलिए हमें लगा कि मुझे बच्चों के सामने आना चाहिए। बहुत सारे जगहों पर बच्चों ने अलग अलग चीजें बोलना शुरू किया, ब्रिंग बैक एसके झा सर कहाँ है, एसके झा सर कहाँ है। दोस्त मेरे, जिस माध्यम से मैं आप तक पहुंचता था वो माध्यम अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। आप लोगों को पता होगा कि अभी जब आप हमारे चैनल को खोलिएगा तो वहां लिखा हुआ मिलेगा, दिस कंटेंट इज करंटली अनअवेलेबल इन दिस कंट्री बिकॉज ऑफ एन ऑर्डर फ्रॉम द गवर्नमेंट रिलेटेड टू नेशनल सिक्योरिटी एंड पब्लिक ऑर्डर। मतलब गवर्नमेंट के ऑर्डर पे हमारे चैनल को ब्लॉक कर दिया गया है, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है और नेशनल सिक्योरिटी में कुछ समस्याएं आ सकती है, आंदोलन एक बड़ा रूप ले सकता है वगैरह वगैरह। जो भी चीजें गवर्नमेंट को समझ में आई वो अपने हिसाब से उन्होंने ऐसा एक्शन लिया, उनके एक्शन का भी स्वागत है, क्योंकि गवर्नमेंट हमारी है और हम भारत के संविधान को मानने वाले लोग हैं। I really need a break. लाइफ है, ब्रेक बनता है। From Nestle. हम लोग भारत की के संविधान के प्रति अपनी निष्ठा को कभी कम नहीं होने दे सकते हैं, क्योंकि भारतीय हैं, हमारे रक्त में भारत का खून बहता है, हमने इस मिट्टी में जन्म लिया है। जरूर कुछ न कुछ कंफ्यूजन हो गया होगा या किसी ने करवा दिया होगा कंफ्यूजन, इसीलिए ऐसा हुआ होगा, क्योंकि आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं। दोस्त मेरे, लगभग 10 लाख का ये परिवार है, 11 लाख का। तो जो चीजें हमने कही वो लगभग 15 से 20 चैनल्स ने उससे बढ़ा बढ़ा कर भी कहा, उतना भी कहा, उससे थोड़ा कम भी कहा। हमने कभी भी किसी भी बच्चे को फिजिकल प्रोटेस्ट के लिए नहीं उकसाया, कभी नहीं। इवन मैं इसके फेवर में भी नहीं था। सच पूछिए, ये बातें थोड़ी कड़वी होंगी, लेकिन मैं इसके फेवर में नहीं था। ऐसा नहीं है कि मैं मीठी मीठी बातें आपसे करूंगा और मैं गलत में भी किसी का साथ दे दूं। संवैधानिक तरीके से जो लड़ाई हम लड़ रहे थे पिछले 6-8 महीने से, हम लोग ट्विटर कैंपेन वगैरह वगैरह और जो भी संवैधानिक चीजें हैं, अगर आंदोलन ही करना था तो गर्दनी बाग उसके लिए जगह था, बहुत सारी बातें, हमने कभी किसी को उकसाने का काम नहीं किया। और अगर किया है, एक भी सबूत अगर इस चीज का मिल जाएगा तो दोस्त मेरे, मैं अपने चैनल को ब्लॉक तो छोड़िए, मैं डिलीट कर दूंगा और जिंदगी में कभी नहीं पढ़ाऊ, और खुशी खुशी जो सजा होगी हमारी उसको कबूल कर दूंगा। अगर एक भी सबूत ऐसा मिल जाता है जहां हम बच्चे को उकसा रहे, मैं शिक्षक हूं, मैं अपने दायरे और मर्यादा को बहुत अच्छे से जानता हूं। जो लोग बाहर के लोग हैं जो पटना में नहीं रहते हैं, उनको पता भी नहीं है पटना की आंधी के बारे में, तो वो लोग अगर ऐसा बोले होंगे उनका हम नहीं कह सकते, लेकिन लगभग शिक्षकों ने ऐसा किसी ने नहीं किया। मेरे दोस्त, जरूर कुछ ना कुछ कंफ्यूजन हो गया होगा या किसी ने कंफ्यूजन करवा दिया, नहीं पता हमको, ये तो ऊपर वाला जाने, लेकिन मेरे दोस्त मैं जानता हूं, मेरे प्यारे छात्र जानते हैं, और अगर मैंने उकसाने का काम किया तो मैं तो कहता हूं कि अगर मेरे से नेशनल सिक्योरिटी को कहीं भी प्रॉब्लम है, मेरे चैनल को डिलीट कर दिया जाए और मुझे जेल भेज दिया जाए, अगर एक भी सबूत उसके लिए मिलता है। मैं सरकार की इज्जत करता हूं, मैं तंत्र का रिस्पेक्ट करता हूं, क्योंकि वो हमारा है, हम लोगों का है, लेकिन ये एक लड़ाई है जो हम लोग लड़ेंगे, और हम लोग इस पर अलग से चीजें हैं। बहुत सारे बच्चे, मतलब बहुत सारे टीचर सपोर्ट कर रहे हैं ब्रिंग बैक एसके जा, उनको मैं 100 बार धन्यवाद कहता हूं, नमन करता हूं, बच्चों को 100 बार धन्यवाद कहता हूं कि बच्चे, आज मेरे लिए खुशी का पल है, मेरे लिए दुख का पल नहीं है, कि लोग हमारे साथ हैं, ये मेरे लिए खुशी का पल। चैनल तो बना लेंगे दोस्त, लोग है तो चैनल आ जाएगा, लोग नहीं रहेंगे ना मेरे दोस्त, चैनल कभी नहीं आएगा। मैं
तुमको लगता होगा कि सर हतोत्साहित हैं, उदास हैं। एक टीचर बड़े मेहनत से, अगर उस चैनल पे बात करें हम मेरे दोस्त, तो कम से कम 1500 प्लस घंटे की वीडियो मेरी पड़ी हुई। कष्ट तो होता है दोस्त, 1500 घंटे खड़े होके चिल्लाना कितना मुश्किल काम है, या आप भी समझ सकते हैं। कष्ट तो होता है, लेकिन फिर भी एक हौसला, एक हिम्मत मिलता है। बुरा वक्त है, गुजर जाएगा। कोशिश करने वालों की, हम ही लोग तो कहते हैं कभी हार नहीं हो, फिर एक चैनल बना लेंगे। मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, चैनल बना लेंगे। और अगर सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो चैनल आ भी जाए। आपको लग रहा होगा कि सर को इस बात से तकलीफ है, नहीं मुझे इस बात से तकलीफ नहीं है, लेकिन इस बात से जरूर तकलीफ है कि मेरा कसूर क्या था। मेरे दोस्त बहुत सारे लोग कहते हैं कि कुछ ना कुछ तो बात हुई होगी, आप ही का चैनल क्यों ब्लॉक हुआ। तो मैं बता दूं लोगों को कि जब जिस एरिया में यह आंदोलन हो रहा था उसके 300 मीटर के मेरा जो कोचिंग है, सेंटर है, उसके 300 मीटर के एरिया में यह आंदोलन हो रहा था, मात्र 300 मीटर के एरिया। और अगर गांधी मैदान को भी जोड़ लें तो 1 से 1.5 किलोमीटर के एरिया में वो आंदोलन हो रहा था, और जो जितने भी बच्चे थे वो सब उसी क्षेत्र के बच्चे थे, मेरे कोचिंग से 300 मीटर के एरिया के बच्चे थे, क्योंकि वहीं पर सबका कोचिंग, सारे कोचिंग सेंटर्स वही। तो जो बच्चे कोई जाता था, पुलिस ने किसी पर लाठी चार्ज कर दिया या लाठी से मार दिया भीड़ को इधर उधर करने के लिए, मान लेते हैं कि अगर सड़क बाधित हो रहा था, या कोई कहीं गिर गया, किसी को चोट लग गई, किसी को प्यास लगा हुआ है, आंदोलन में गया, चिल्ला रहा है मुझे मेरा हक दो, मुझे मेरा हक दो, और उसको प्यास लग गया, किसी का हाथ टूट गया, किसी के पैर में छिलन आ गया, वो सारे बच्चे सीधा मेरे पास आते थे और कहते, देखिए सर हमको चोट लग गया, तब बाबू इसका बैंडेज करवा दो, देखिए सर मेरा हाथ टूट गया, बाबू इसका एक्सरे करवाओ, देखिए सर हमको प्यास लगा, बाबू पानी पी लो। लेकिन हमेशा कहते थे, बाबू असंवैधानिक कार्य न करना। अगर मेरे आंदोलन का 30 से 40 सेकंड के लिए मैं, जब मेरे कोचिंग के सामने सारे बच्चे आ गए और एक आशा भरी निगाहों से देख रहे थे, उस टाइम में भी जब मैं गया तो यही बोला कि बाबू असंवैधानिक तरीके से अपना हक मांगना ये कहीं से भी सही नहीं है, देश हमारा है, आप सब लोग संवैधानिक तरीके से आइए, सब आपके साथ, देख लेना ये वीडियो मेरा पड़ा हुआ है। ये भी मत सोचना कि मैं डर गया हूं, जिस दिन मर जाऊंगा उसी दिन डर जाऊंगा। जब मैं गलत नहीं हूं तो देश मेरा भी, अब मैं गलत हूं, मैं संविधान का आदर करता हूं, मुझे जो सजा मिलेगी उसको मैं हंसते हंसते कबूल कर लू। तो जिस मैंने कहा, आप समझ लो सर्किल का एक सेंटर है मेरा कोचिंग, और रेलवे लोग कहते हैं रेल राजा, तो एक जुड़ाव है रेलवे वाले बच्चों से। तो सारे बच्चे, किसी का हाथ टूट गया, चलते चलते ही मान लो भीड़ में छिला गया, मैं किसी को मान लो पुलिस ने भी बाद में लाठी चार्ज किया, उसको लाठी लग गई तो बेचारे का हाथ फूल गया, तो सबको जो फर्स्ट एड होता था कोशिश करते थे कर देने का, ताकि बच्चों को ये ना लगे कि नहीं मेरा हाथ टूट गया और अभी हमको कोई नहीं देखा, क्योंकि उसके मम्मी पापा नहीं है पटना में, वो टीचर को ही अपना सब कुछ मानता है, सर्वस्व मानता है। तो उसमें वहां पर भीड़ जमा होती थी 10-20-30 की संख्या में, तो हो सकता है किसी को ऐसा लग गया होगा कि नहीं सर ही करवा रहे हैं। बाकी जो हमसे जुड़े बच्चे हैं सबको पता है कि हमने कभी भी भीड़ को उकसाने का काम नहीं किया। अरे मैं एक शिक्षक हूं, मैं अपनी मर्यादा बहुत अच्छे से जानता हूं, जो गलत होगा, मैं तो गलत के प्रति शिक्षक रोकते हैं, कैसे कह देंगे शिक्षक गलत करने के। और मैं तो कहता हूं एक सिंगल वीडियो भी अगर मिल जाए ना, मेरे ऊपर सबसे पहला FIR है। बाकी कोई बात नहीं, ये चीजें चलती रहेंगी। मेरे तो बहुत सारी चीजें हैं जो मैं लिख के भी लाया हूं कि क्या क्या किन किन चीजों पे बातें करनी है। मेरे दोस्त मुझे ये भी नहीं समझ में आता कि जो कंटेंट मेरे चैनल पे है वो कम से कम 20 चैनल्स पे ऐसे कंटेंट है, तो फिर ऐसा क्यों। लेकिन कोई बात नहीं, कहते हैं ना मेरे दोस्त, बच्चे हमारे साथ हैं, किसी चीज का गम नहीं है, हम बच्चे के साथ हैं, फिर हम लोग हर चीजों से अपनी कोशिश के द्वारा जीतेंगे, कभी कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।
के द्वारा जीते कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो सबसे बड़ी बात, चैनल चला गया, बहुत लोगों ने सपोर्ट किया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतने सारे लोग सपोर्ट करेंगे। बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों ने, जिसने कभी YouTube चलाया नहीं था, उन बच्चों ने भी वीडियोस बनाए, ब्रिंग बैक एसके दा। बहुत सारे टीचरों ने भी वीडियो बनाए। कुछ शिक्षक की अपनी मजबूरियां हैं, वो लोग नहीं बना पाए, लेकिन बहुत सारे शिक्षकों ने भी बनाया उनको और बच्चों को। जो भी लोग कमेंट्स कर रहे हैं या बोल रहे हैं या बातें कर रहे हैं, आप में धन्य हो गया ये बातें सुनकर कि लोग हमारे सपोर्ट में बात कर रहे हैं। दोस्त बड़ा मतलब गौरवान्वित फील करते हैं जब बच्चे ये लिखते हैं कि रेल राजा वापस आओ। बड़ा अच्छा फील होता है कि लगता है कि किसी को मेरी जरूरत। मेरे दोस्त, फिर मैं बार बार कहता हूं, मुझे इस बात का मलाल नहीं है कि मेरा चैनल चलाए, क्योंकि मुझे मेरे बच्चों पर और मेरे कलम पर भरोसा है। मेरे दोस्त, अगर किसी को ऐसा लगता है कि मैंने ये आंदोलन भड़काया या हम लोगों ने ये, टीचरों ने ये किया, तो आप पटना के सेक्रेटरी साहब से पूछ लीजिएगा, चेयरमैन साहब से पूछिएगा, वो जो अभी नोट में लिखा हुआ आता है ना कि ये वैकेंसी हर साल आएगी, वो मैंने लिखवाया है। जो नोट में लिखा हुआ आपको हर जगह दिखता है कि ये साइकिल में चलेगी, वो मैंने लिखवाया है। मैडम उनको फोन करके, सेक्रेटरी साहब को फोन करके, ये जो कैलेंडर की बातें आई, मैंने कहा आप टेक्नीशियन की वैकेंसी तुरंत दीजिए और हर जगह ये नोट में लिखिए कि आप अगली साइकिल फिर से स्टार्ट करेंगे और पूरी पूरी कैलेंडर दीजिए। ये सजेशन भी मैंने सेक्रेटरी साहब को फोन करके, अगर मेरे मन में ऐसा कुछ रहता कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से होता, तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। बाकी ऊपर वाला जाने मेरे दोस्त, अगर मैं गलत हूं तो मुझे सजा दे ऊपर वाला भी और संविधान भी। मैं खुशी खुशी अपनी सजा को कबूल कर लूं। हो सकता है मेरे से कोई गलती हो गई हो, इट मे बी पॉसिबल। बाकी मेरे दोस्त, अगर हम, बहुत सारी चीजें हैं, कितनी सारी बातें हैं जो हम कह सकें आपको, बहुत सारा चीज आपको पढ़ाना है, आपका हिम्मत है, हम हिम्मत बन के दिखाएं। और मेरे दोस्त, तू टेंशन ना ले, 9-6-15 हजार सीट इस बार के लिए है, फिर साइकिल भी आ गया है, आगे फिर ग्रुप डी है, NTPC है, फिर आगे नेक्स्ट ईयर की वैकेंसी है। बहुत सारी बातें हैं जिस पर हम लोग, क्या सही क्या गलत, इस पर हम लोग अलग से बात करेंगे। बट एक लाइन का बात मेरे दोस्त, मेरा भी मन घबरा रहा है कि कब मैं आपके सामने आऊं, क्योंकि जब मैं ये देखता हूं कि ड्राइवर और टेक्नीशियन दोनों में 175 नंबर में का जो CVT मेन, तो CVT 2 है मेरे दोस्त, 175 नंबर की अगर बात करोगे तो लगभग 75-50, 125 नंबर हमको पढ़ाना है ड्राइवर और टेक्नीशियन में। 175 में 100 मेंस जो आपका CVT 2 होना है, 125 नंबर हमको पढ़ाना है, और PT के बाद मात्र 1-1.5 महीने का गैप, हार्डली 2 महीने, और ये सिलेबस 8 महीने का। मुझे भी बहुत जल्दी है कि मैं कब फिर अपना कलम उठाऊं और आपके सामने जल्दी से आ जाऊं। फिलहाल मेरे दोस्त, कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, फिर मैं दूसरा वीडियो लेकर आऊंगा और फिर से आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए 100 बार सर झुकाकर नमस्कार। जिन शिक्षकों ने और जिन बच्चों ने सपोर्ट किया है उनको 100 बार नमस्कार है मेरे दोस्त, और जिन शिक्षकों ने नहीं भी किया उनको भी प्रणाम है। शिक्षक है तो जरूर कुछ ना कुछ